सीरीज में मैं डिफरेंट गेस्ट को इनवाइट करूंगी लेकिन आई एम सो एक्साइटेड दैट माय फर्स्ट गेस्ट इज डॉक्टर शुगुफ्ता फिरोज मैंने पहले भी एक दफ़ा इनका इंट्रोडक्शन कराया था शी इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड मैं इनको अपनी बड़ी आपा कहती हूँ अपना मैंटोर समझती हूँ शी इज़ माशा वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग हीलिंग प्रैक्टिशनर्स दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस एंड आई हैव कम अक्रॉस मैनी बिकॉज मेरा फील्ड ही ये है और शुगुफ्ता आपा इज Uh, is a is an MBBS doctor. She also holds two PhDs. Um, she also has a fellowship from Arizona and she has um, a board uh, she, she has, she's certified by Harvard University. Am I correct Apa? Board certification. Yes. Board certification from Harvard and she is a holistic medicine practitioner. She is what you would call a functional medicine practitioner. एंड ये नेचुरल तरीके से बॉडी को uh, uh, एक होम्योस्टेसिस की स्टेट में लाती है जिसमें डिजीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती शी हैज़ ट्रीटेड पेशेंट्स वेरी सीरियस डिजीज एज वेल इनकी बुक भी है अवेलेबल जिसकी इंफॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन में देंगे आप जरूर वो बुक लें उसमें बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन मौजूद है आप खुद अपनी जिंदगी अगर होलिस्टिकली क्लीन अप करना चाहते हैं uh, और हेल्थी होना चाहते हैं So that information is in that book and we will also give you her website in the description. So if you need to get in touch with her, she's very busy. She's traveling a lot. She lectures a lot. So she will be able to answer you in email. So today I asked you. To I am very excited because this topic is very close to my heart. Like what you know when I so, I three years. One of the things I used to talk to you about that really bothered me. वाज के अमेरिका में तीस साल गुजारने के बाद यहाँ आके मुझे एक कल्चर शॉक महसूस होता था और सबसे ज़्यादा वो आ, इसी चीज़ में था कि लोग धोखेबाज बहुत है झूठ इस माशरे में बहुत ज़्यादा है और बहुत आम है एक्सेप्टेबल है बहुत बहुत लोग आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं मुझे तो ये चीज़ भी बॉदर करती थी कि जब अगर किसी को मैंने फ़र्ज करें सात बजे मिलने का टाइम दिया है और सात बजे वो नहीं आए मैं फ़ोन करी और वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ बस करीब है करीब है और एक्चुअली उस वक्त वो घर से भी नहीं निकले होते थे थिंग्स मी मैं यहाँ पे शादियों पे फंक्शन पे हूं कि अगर कार्ड पे साढ़े सात बजे का टाइम लिखा हुआ है तो मुझे उलझन होती थी मैं साढ़े सात के बाद नहीं जा सकती थी और कई दफा मैं शादियों पे गई हूँ आपस ना लड़के वाले आए हुए हैं ना लड़की वाले और मैं उधर वेटर्स के साथ सबसे पहले फंशी यू नो सो दीज थिंग्स आई वॉन्टेड टू ब्रिंग अप टूडे बिकॉज आपके साथ इस टॉपिक पे बात करने का मजा ये है कि आप सबसे पहले हमें मैं आपसे साइंटिफिकली पूछूंगी क्योंकि आप तो एक्चुअली बींगली सी दफेक्ट ऑफ ऑफ ट्रूथ दैट दैट है बॉडी यानी केमिकल चेंजेस क्या बॉडी में होते हैं और फिर झूठ के केमिकल असरा क्या होते हैं तो वहां से मैं पहले स्टार्ट करना चाहती हूँ वेलकम एंड दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू के how does uh, this affect our body truth and lies bismillah rahman rahim assalam alaikum thank you again for inviting me i, always enjoy jab azad hai aapke saath bhi aapke questions hote hain wo main enjoy karti hu challenging questions hote hain aur mujhe acha lagta hai na bada zabardast aapka ye topic hai aur शायद मेरे भी दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैंने इसको practically इसकी manifestation कई जगहों पे देखी है अच्छा मैं इस मैं मेरा ये ओपिनियन था जैसे आपने भी कहा कि मुझे ये लगता था कि हम पाकिस्तानीज जो हैं वो ही बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं तो जब मैं रिसर्च देख रही थी तो मैं हैरान हुई कि मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी मिशिगन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में और एक बहुत मुश्किल सा नाम है आ, इंडियाना में यूनिवर्सिटी है जो कि रिसर्च यूनिवर्सिटी उनकी लॉटडेम करके कुछ उसका नाम है तो उनकी जो रिसर्च है ना रिसर्चेस आर ऑन ऑन द रोल ऑफ लाइंग इन आर बॉडी ठीक है wow. अच्छा बड़ी हैरान हुई जब वो कहते हैं अपने सर्वेज और अपनी रिसर्चेस के बाद इंसान हर दस मिनट के बाद झूठ बोलता है इस प्लान wow. पे रहने वाला हर इंसान हर दस मिनट के बाद झूठ बोलता है एक यूनिवर्सिटी ने वन पॉइंट फाइव निकाला है हर बंदा इस प्लेनेट पे जो रहता है वो झूठ बोलता है ठीक है झूठ बोलने की फिर उन्होंने कैटेगरीज बताई है कि कहाँ कहाँ बोला जाता है ना अच्छा, पेरेंट्स के साथ बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स बच्चों के साथ बोलते हैं पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बोलते हैं एम्प्लॉइज बॉसेस के साथ बोलते हैं कॉर्पोरेट अपने कंज्यूमर के साथ बोलता है डॉक्टर पेशेंट हिस्ट्री सही नहीं देता है वहां पर जूठ बोलता है ये अब उनका चूंकि आपको पता है ये यूनिवर्सिटीज तो बहुत हाई स्केल पे रिसर्चेसान है ठीक है ना सो पेशेंट डॉक्टर के साथ बोलता है और डॉक्टर पेशेंट के साथ बोलता है उसको कभी नहीं बताता कि उसकी डिजीज कहाँ पे है और वो कितना दिन उसके पास क्या टाइम है उसकी रियालिटी नहीं बताता ठीक है तो so, पहली बात तो ये है कि झूठ बहुत प्रिवेल करता है सही मतलब ये एक प्रैक्टिस बन गई है अच्छा अब आपने एक बात की कि इसका केमिकल क्या कनेक्शन uh, क्या है ना केमिस्ट्री कैसे ये कनेक्ट होती है तो uh, हमारा जो ब्रेन है इसमें एक लिम्बिक सिस्टम है आजकल लिम्बिक सिस्टम पे बहुत काम हो रहा है उसको इमोशनल ब्रेन कहते हैं उसके चार हिस्से होते हैं थैलोमसलमस हिपोकैम्पस एंड एमिकिला एक एमिकडिला उसका हिस्सा है जिसका ताल्लुक है मेमोरी के साथ जिसका ताल्लुक है सोशल बिहेवियर के साथ हुँ. तो मैं हैरान हो गई पढ़ के कि जब एक बंदा झूठ बोलता है तो उसके ब्रेन का ये पार्ट जिसको एमिकिला कहते हैं वो दिन ब दिन साइज में कम होता चला जाता है ठीक है अब आप ये सोचें कि इस इस ब्रेन के हिस्से का आपकी मेमोरी, आपका जो वर्क आउटपुट जो है उसके साथ के साथ भी ताल्लुक है अब एक इंसान जो हैबिचुअली झूठ बोलता है तो उसका आप अंदाजा लगा लें कि उसकी वर्क आउटपुट कैसे इफेक्ट हो रही होगी और उसकी यादाश्त और उसके मेंटल डिसऑर्डर्स क्या बन रहे होंगे बिकॉज झूठ फ्रस्ट्रेशन को लीड करता है ठीक है के छोटे होने से या उसके रिड्यूस होने से या उसके श्रिंक करने से वो बंदा जो है उसके अंदर से झूठ बोलने का गिल्ट खत्म हो जाता है अब उसको ये नहीं चलता कि वो जैसे आपने कहा सी आपने ये कहा कि लोगों ने तो बड़ा रिएक्ट किया कि आपने कुछ ज्यादा ही कह दिया झूठ पे तो जब साइंस कह रही है कि जब तमिक्डला का साइज कम हो जाएगा तो वो बंदा जो है उसके अंदर से एहसास से जुर्म या एहसास से नदामत खत्म हो जाएगा अब वो झूठ ऐसे बोलेगा जैसे वो नॉर्मल बातें करते हैं ठीक है ये तो है ब्रेन का एक पार्ट जिसके ऊपर रिसर्च है दूसरे दो केमिकल्स इसके साथ कनेक्टेड है एक ऑक्सीटोसिन है और एक डोपामीन है हम लोगों ने जब ऑक्सीटोसिन पढ़ी थी तो हमने उसको पॉजिटिव एक केमिकल के तौर पे पढ़ा था कि ये मोहब्बत का हार्मोन है और ये मार्डिंग होती है होता है उसके साथ है लेकिन मैं हैरान हो गई कि जब एक इंसान झूठ बोलता है तो वो असल में अपने आप को सेव करने के लिए या अपने एक अब्यूसिव लव को एक्सप्रेस करने के लिए झूठ बोलता है समझ आई तो ऑक्सीटोसिन तो की का रिलीज इज सरप्राइज फॉर मी बिकॉज आई मुझे ये पता है कि डोपामीन रिलीज होती है झूठ बोलने से लेकिन ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होती है और वो इंसान को एक खुशी दे रही होती है कि भाई तुम्हें बहुत ज्यादा तुम्हें प्यार किया जाता है क्योंकि तुम झूठ बोल बोल के तुमने एक फेक्स अपना एक इमेज बनाया हुआ ठीक है डोपामीन क्या करती है डोपामीन जो है डोपामीन इज द केमिकल ऑफ प्लेजर ये हैप्पीनेस का नहीं है ठीक है ना डोपामीन इज द केमिकल ऑफ प्लेजर ये एडिक्टिव होता है आज मैंने दो झूठ बोले थोड़ा सा केमिकल रिलीज हुआ कल मैंने पांच झूठ बोले थोड़ा सा और रिलीज हुआ हो सकता है ये एग्जैक्टली exactly कैलकुलेटेड सौ झूठ के बाद मेरे अंदर एडिक्शन पैदा हो जाएगी झूठ बोलने की बिकॉज मुझे वो जो डोपामीन रिलीज होगी और जो मुझे फीलिंग ऑफ प्लेजर देगी ना तो मैं सोचूंगी हाँ झूठ बोलना ही मेरे लिए ठीक है बस यही मेरा बिहेवियर होना चाहिए ठीक है सो so, डोपामीन एक झूठे एक बंदे को एडिक्ट दी है झूठ बोलने का ठीक है अच्छा और एक साइकिल हम ड्रग लेते हैं या सिगरेट पीते हैं या एल्कोहलिक्स होते हैं आहिस्ता आहिस्ता डोज बढ़ता है ना डोज बढ़ता चला जाता है सिमिलरली जब डोपामीन का लेवल बढ़ता चला जाता है तो उस बंदे के झूठ की फ्रीक्वेंसी झूठ की इंटेंसिटी एंड झूठ की सीरियसनेस जो है वो बढ़ती चली जाती है ठीक है हाँ। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है पिनोखियो इफेक्ट कहते हैं आपने अपने फिगर देखा उसकी लंबी सी नाक होती है कहते हैं कि जब एक बंदा झूठ बोलता है तो उसकी नाक के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं वो फैल जाती हैं ना ठीक है और उसकी नाक में टिंगलिंग शुरू हो, हो जाती है खारिश से शुरू हो जाती है तो जो बंदा झूठ बोलेगा वो अपनी नाक को टिकल करेगा या अपने ये टेंपल यहाँ पे होता है वो का सेगमेंट ये है ना, तो वो उनको टच करता है ये उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ चीजें आती हैं और एनअर इंटरेस्टिंग पार्ट कि नाक में से हीट निकलती है आप एक गौर करें कि जब एक बंदा झूठ बोलता है तो उसके जो नॉस्ट्रल्स हैं नथने जो लेवे होते है होते हैं और आंखें जरा बड़ी बड़ी रोरी होती है ना कहते हैं कि आंख की हीट आंख के अंदर हीट और नाक के अंदर हीट बढ़ जाती है तो उस बंदे का जो एक्सप्रेशन है वो बदल जाता है अच्छा मजे की बात ये होती है कि जिस तरह हर एडिक्ट addict अपनी एडिक्शन को जस्टिफाई करता है ना उस तरह हर झूठ बोलने वाला बंदा अपने झूठ को जस्टिफाई करता है बिल्कुल बिल्कुल करते हैं तो मैंने देखा है तो ये तो इसकी आप मुख्तर सी मैंने साइंस की बैकग्राउंड पे करना चाह रही आपका कि आपने बेसिकली जो बात की है कि और dopamine, good, ऐसा ऐसा जैसे एडिक्ट हो के ये बार 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 करता है उसका साइड इफेक्ट ये है कि आपका स्मॉलर एंड ऑफ बिहेवियर्स बट सबसे इम्पोर्टेंट एक तो आपकी मेमरी और दूसरा आपका सोशल बिहेवियर सो आप सोशली एक अनफिट इंसान बनते जाते हैं बनते जाते हैं और ये अगर देखें मुशाहिदा करें तो झूठे लोगों की जिंदगी एक्चुअली बाई द टाइम इन द फोर्टीज फिफ्टीज बहुत मुश्किल होती है पीपल आर अनहैप्पी विद नो बडी कैन ट्रस्ट दैम और ये सारा कुछ होना शुरू हो चुका होता है लेकिन वो रियलाइज ही नहीं कर पाते बिकॉज वो सेंटर जो उनको वो फीडबैक देता कि भाई यहाँ पे गड़बड़ हो रही है वो सेंटर तो आपने बिल्कुल श्रिंक कर लिया अब आपका ब्रेन फुल उसके ऊपर कैपेसिटी पे है ही नहीं दिस की बात मैं ऐड करना चाहूंगी इम्यूनिटी जो होती है ना वो तीन लेवल्स पे होती है फिजिकल इम्यूनिटी एक होती है इमोशनल होती है और एक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी होती है ठीक है जो जाहिर है बेस्ट तो वही है जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है जो आप अल्लाह के वलियों में देखते हैं ना खाना ना पीना ना सोना बट दे आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ ठीक है इमोशनल इम्यूनिटी जो है वो कनेक्टेड है विद द लिम्बिक सिस्टम इसी इमोशनल ब्रेन के साथ इमोशनल इम्यूनिटी बिल्कुल कनेक्टेड है हंड्रेड परसेंट उन्होंने सही कहा है बिकॉज आई हैंडल लॉट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और उनकी हिस्ट्री में फेकनेस होती है जितने भी पेशेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं उनकी अपनी रीजन होती हैं बेशक लेकिन वो बेचारे किसी ऐसे एक मतलब मुसीबत में फंसे हुए होते हैं कि उनको एक फेक जिंदगी गुजारनी पड़ रही होती है जो अल्टीमेटली उनके इमोशनल इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और उनमें या सडन ऑनसेट होता है एक मेटास्टेटिक या ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स का तो जब मैं इन पेशेंट्स को हैंडल करती हूँ तो मुझे उनकी इम्यूनिटी को इसी तरह इन्हेंस करना पड़ता है समझा समझा के कि हाउ दे हैव टू चेंज देयर बिहेवियर टूवर्ड्स लाइफ ठीक है अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे इसके साथ में थोड़ा सा आपको लोकल अपना भी तो बताऊ ना ये तो हमने बात कर ली आ, उनकी जो तो कह रहे हैं जहां से रिसर्चेस आती हैं आप देखें हमारे माशरे में क्या हो रहा है अगर मुझे सही याद है तो पाकिस्तान प्रॉब्लली थर्ड नंबर पे आता है झूठ बोलने वाले कंट्रीज में जहाँ तक मुझे सही बात है आप अपने बारे में देखें जरा हमारे बारे में आप देखें क्या होता है हम करते क्या है ना किसी से आप मिलते हैं आप पूछते हैं क्या हाल है फौरन कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ठीक है पहला जुमला ठीक बड़ी बात होती है अगर उसने ये जुमला दिल से कहा होता पांच मिनट गुजरेंगे आप वहीं पे बैठे हुए हैं आप ही के सामने आप सुनेंगे वो बंदा अपने कारोबार पे रोना शुरू हो जाएगा वो बंदा अपने बच्चों पे गिले शिकवे शुरू हो जाएगा वो बंदा करना शुरू हो जाएगा वो बंदा विद इन फिफ्टीन मिनट्स आपके सामने ओपन अप होगा हमारे माशरे में झूठ मुझे ये लगता है जो इन्होंने कैलकुलेट किया है कि 1.5 पर डे है मुझे लगता है एटलीस्ट हमारे तो मुल्क में इट इज़ टेन टू फिफ्टी टाइम्स पर डे बिकॉज हम बहुत हैबिचुअली झूठ बोलते हैं ना और उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हमारे माशरे में हैं प्रॉबर्ली मुझे लगता है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स है पाकिस्तानियों में वो कनेक्टेड है इस फेंकनेस के साथ ना जो झूठ हम बोल रहे हैं तो ये मेरी अपने के बारे में ऑब्जर्वेशन नहीं होता फाइनली अब झूठ हजम नहीं होता हो तो ये सॉरी अगेन टू ड्रॉप यू एक बड़ी मुझे नहीं पता मैंने वो उसका सोर्स नहीं चेक किया मैंने एक हदीस देखी है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख और झूठ को ना मिलाओ इंटरेस्टिंग भूख एंड झूठ को ना मिलाओ तो देखिए आप वो जो मैं बात रही हूँ हमारे जो मुल्क में ये फैले हुए हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हर बंदे को ब्लोटिंग है प्रॉबर्बली झूठ की कमाई हराम की कमाई गलत तरीके से अंदर जा रही है है ना कुड भी बिल्कुल कुड भी ये आई I मीन mean, अभी तो साइंस ये चीजें डिस्कवर कर रही है ना मैं, मैं, मैं मुझे अपने उस्ताद की बात याद आ जाती है हमेशा कि साइंस तहकी हकीकत है और कुरान बयान हकीकत है तो बयान तो चौदह सौ साल पहले हो चुका है अब तहकीक जितनी मर्जी करके प्रूफ करते जाए के हमारे साइंटिस्ट ये प्रूफ कर रहे होते मुसलमान साइंटिस्ट ये प्रूफ कर रहे होते कि एक्चुअली सच के इतने हैं और झूठ के इतने नुकसान हैं हमें तो वैसे तो चौदह सौ साल पहले इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हुई हैं अब इसमें एक मेरा क्वेश्चन बार बार दिमाग में ये भी आ रहा था कि मैंने अब जब अपना मैं जब ये थर्टी डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स कराती हूँ तो उसमें प्राइमेली शुरू में Uh one of the things we do is uh, authenticity ke lessons or But we teach people uh we we start from step number one, which is where are you lying to yourself? Where are you not truthful to yourself? <coughs> Excuse me, where in life are you saying yes where you really want to say no? So इतनी मजे की होती है ट्रांसफॉर्मेश नहीं मैं हाँ थोड़ा बहुत झूठ तो सब ही बोलते हैं बट आई 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 थिंक सबसे तो इसके ऊपर भी आप कुछ तरह अगर आप बात करें कि वेन वी लाइट अलॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट नो यू नो हमें जाता है एज चिल्ड्रेन हम पहले माँ बाप से जिस तरह आपने कहा था झूठ बच्चा तो सच्चा ही होता है पर वो सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता मैं यूं बच जाऊंगा मैं यूं और फिर वो उसकी और का सिलसिला चला प्लस ही गेट इनटू ट्रैवल अ लॉट ऑफ टाइम्स वहां से हम सीखना शुरू होते हैं फिर हम अपने कल्चर से भी यही सीखते हैं कई दफा टीचर से भी यही सीखते हैं और मैरिज में आके तो फिर पक्के माहिर हो जाते हैं माहिर खिलाड़ी बन जाते हैं झूठ के So, इनऑतेंटिक तो लाइफ है बिल्कुल ठीक uh, है हंड्रेड परसेंट आपसे यही कह रही है अच्छा बड़ा ये भी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होनी मैंने रिसर्चेज में पढ़ी कि बच्चा एट एज फोर से झूठ शुरू करता है हुँ. एज इमेजिन मैंने ये नहीं सोचा था कि बच्चा कैन डिफ्रेंशिएट कि मैं झूठ बोल के अपनी माँ या बाप से बच सकता हूँ ठीक है एक तो ये बात हुई आप जहां ऑथेंटिसिटी की बात कर रही है ना मैंने ये पढ़ा कि जो मेल्स हैं या मैन दे स्पीक लाए बिकॉज दे वॉन्टेड टू प्रजेंट दे गुड ह्यूमन बींग इसलिए झूठ बोलते हैं आदमी इसलिए झूठ बोलते हैं ठीक है टिपिकली जी ठीक है ये मतलब अब रिसर्च है जो मैं कोट कर रही हूँ आई और इसलिए झूठ बोलती है कि वो रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रही होती है इसलिए वो झूठ बोलती है ठीक है यस यस yes, yes. बेशक वो चाहे उसका हस्बैंड हो चाहे वो कोई भी हो बहन भाई पेरेंट्स एनी बच्चे जो भी है लेकिन वो इस सिलसिले में बोलती है तो जब वो बोलती है तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स के अंदर तो गड़बड़ आ जाती है ना और रिलेशनशिप्स जो है वो तो कभी भी झूठ के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकते बिकॉज आपको कॉन्स्टेंटली एक्टिंग करनी पड़ती है फिर कॉन्स्टेंटली एक्टिंग करनी पड़ती है कोई फोन ना सुन ले कोई लिखा वाला जद ना आ जाए किसी रिलेटिव से बात ना खुल जाए मतलब मैं हमेशा झूठ के बारे में एक एक टर्म यूज करती हूँ शायद क्योंकि आजकल ये डिजिटल दौर है कि मुझे लगता है कि झूठ बोलना है झूठ बोलना इज लाइक एन इंस्टॉलेशन ऑफ एन ऐप इन योर बॉडी जिस तरह हम लोग अपने फोन के अंदर कोई ऐप डालते हैं तो उसके साथ अटैच दस चीजें और बीच में आ जाती है ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा ना तो जब आप झूठ बोलेंगे तो यू हैव टू बिकम अ कंपल्सिव ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक आध दफा झूठ बोल के बच जाएंगे अब आपको झूठ बोलना ही बोलना है और आप वैरायटी ऑफ झूठ के अंदर जाएंगे एक तो झूठ की किस्म नहीं है ना झूठ की तो टाइप्स है बहुत सारी तो वो बेशुमार जो टाइप्स हैं वो झूठ की वो आप ग्रेजुअली अपने पर उसको अडॉप्ट करेंगे और अपने आप को कहते रहेंगे मैं तो गुजारा कर रही हूँ मैं तो सब्र कर रही हूँ बड़ी सब्र की जिंदगी गुजार रही हूँ लेकिन वो झूठ में चल रहा होगा सारा कुछ ना और अल्टीमेटली या रिश्ता खत्म होगा या जो कुछ भी होगा अगर कुछ भी नहीं आप लग जाएगी अगर और कुछ भी नहीं होगा ना तो आपके बच्चे आपके कभी भी नहीं होंगे इस एनवायरमेंट में मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं दे नेवर लव देयर पेरेंट्स दे नेवर विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि उन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं कभी भी पसंद करते और दे डोंट वांट टू स्टे एट होम वो बाहर की तरफ भागते हैं क्योंकि झूठ के साथ फिर अटैच एक और भी तो है ना आपके घर में जो बिल्कुल ये आपके अंदर एक एनर्जी फील्ड भी तो झूठ क्रिएट कर रहा है ना वो भी तो उस एप का हिस्सा है ना कि आपका घर आपके घर की जो एनर्जी है वो झूठ की वाइब्स है वहां पर तो बच्चा जो होता है जो खास तौर पर टीन वो नहीं रहना चाहते क्योंकि बहुत रिबेलियस टीन को मैं देखती भी हूँ पेरेंट्स को वो कभी नहीं पसंद करते अपने पेरेंट्स को कभी नहीं पसंद करते ठीक है ना तो झूठ में लॉस ही लॉस है लौस नहीं 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 नहीं। हर तरह से यानी आप स्पिरचुअली वैसे भी आप अपनी आखिरत भी खराब हैं और जिस मुआरे में आप आ, अच्छा बनने के लिए वेदर इट इज यू नो मैरिज रिलेटेड वेदर इट इज एजुकेशन रिलेटेड वेदर इट इज एनी जॉब रिलेटेड मुआरे की वाह लेने के लिए या उनकी वैलिडेशन लेने के लिए आप झूठ बोल रहे अल्टीमेटली वहां पर भी फेल होंगे और आपकी औलाद भी आपसे डिसकनेक्ट होगी क्योंकि रूह जो होती है वो बड़ी पावरफुल होती है उसकी उसकी जो आंख है वो हमारे और को देख सकती है और झूठे के और में एक एक जो सियाही है वो जरूर होती है वो जरूर होती है और वो रिपेल करती है जो सच्ची रूहें हैं उनको वो रिपेल करती है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते उनकी कंपनी को और जैसा कि आपने और मैंने पहले बात की आपका दिमाग भी श्रिंक हो रहा है आपकी इंटेलिजेंस कम हो रही है आपकी सोशल इंटेलिजेंस भी कम हो रही है फिर उसके अलावा इन इन एनी वे Uh, ये मैं खुतिन को बहुत ये बताती हूँ क्योंकि वही वाली बात कि हमारे माशरे में इस चीज़ को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है कि सबर कितनी साबिर है कितनी साबिर है वो एक्चुअली सबर नहीं होता वो विक्टम होता है और उसको वो वही बात कि झूठी जिंदगी जी रही है लोगों के सामने कुछ बनाया हुआ है बच्चों के सामने कुछ और असलियत में कुछ और है एंड दैट काइंड ऑफ लाइफ वेदर इट इज़ अ मैन और अ वन इट अल्टीमेटली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस which then creates disease. serious diseases, serious diseases, uh, create it was so interesting. के ALS के patients, which is a life-threatening disease, as you know, lou gehrig's disease. वो, वो actually invariably case studies ALS and है? he said invariably he found them to be pleasers. they were pleasers in life that they were so either service oriented or, or their life was about pleasing others apni, apni, apni ko, yes na, where you should be saying no but you keep saying yes because you want people to like you So, okay. eventually he said every single one of them that had als were pleasers in life that <laughs> so yeah ye very ye ye important to understand because hamare din mein बट हर चीज बैलेंस के साथ है हर चीज आपने बैलेंस के साथ और सच्चाई के साथ करनी है के साथ करनी है अच्छा तो, 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 मैं इरम कहना चाहूंगी, तो, तो, कि तो, जिस तरह जिस तरह एवोल्यूशन हो रहा है ना जिस तरह जिस तरह हम सो कॉल्ड बड़ी एडवांस्ड यानी ह्यूमंस हो गए हैं वैसे वैसे झूठ भी इवॉल्व हो रहा है ना आप ये कि पहले हम रिटर्न फॉर्म में जो ये नावल रोमांटिक नावल और फजूल नावल थे जिसमें झूठ 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 होता था अब क्या है कि विजुअल झूठ का की वैरायटी बहुत ज्यादा आ गई है आप देखे सारी फेक ड्रामास जो दिखाया जाता है ये जो प्यार मोहब्बत के किस्से हैं उनकी कोई रियलिटी जिंदगी में नहीं है ठीक है ठीक है ये भी लोग कहते हैं कि जो हो रहे हैं उन उनपे भी बेस्ड ड्रामाज हैं लेकिन आपको ये पता है कि बहुत कुछ मैं तो वेरी ट्रू फिर आप देखें कि ये जो आज और इस तरह की जो चीजें आ गई है, है ये क्या है ये तो कोई झूठ की कोई बहुत ही आला शकल है जहां इंसान वो धोखा हो जाता है मैं आपको बताऊ जब ये वीआर आया तो मैं बड़ी एक्साइटेड हुई मेरे मुझे बेटे ने एक्सपीरियंस कराया एंड आई कुड फील द रिलीज ऑफ हैोलिक्यूल्स इन माई बॉडी में इतना मुझे मजा आया कि उसने मुझे दो तीन चीजें उसमें दिखाई और मैं वो कोई मेरे खेल तीन चार सेट्स उठा के पाकिस्तान ले आई कि मैं प्रजेंट करूंगी ना वो खुदा ने मुझे बचाना था मेरा ख्याल है कि मैंने उसको सोचा कि ये तो बड़ी रिलैक्सिंग एक थेरेपी है या टेक्निक है वॉट एवर इट इज ना तो मैंने एक दो दफा सोचा अच्छा बहुत काम हो गया बहुत पेशेंट देख ली अब मैंने वो भी से वो देखना है ना शुक्र है कि एक दफा या दूसरी दफा के बाद जो मुझे चक्कर आए हैं उसके साथ और जो मेरे मेरे स्कल में मेरे सर में जो जो कुछ जो कुछ हुआ है देन आई रियलाइज कि ये जो कर रहा है मेरे अंदर बहुत जल्दी मेरी मेरे बॉडी ने मुझे वार्निंग दे दी है ना उसके बाद नहीं मैंने उसको यूज किया तो दैट मीन्स कि वो ऐसा कोई केमिकल रिलीज कर रहा था जिसने मुझे हिला के रख दिया तो ये बहुत खतरनाक झूठ है क्योंकि बच्चे हमारे आप देखिए सारा वक्त वो कार्टून देखते रहते हैं जिनमें वो कैरेक्टर्स हैं जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं है वो इमेजिनेशन उन्हीं, उन्हीं चीजों की तरफ जा रही है वो जो कि सारा दिन वो गार्डोजी वही देखते रहते हैं इस तरह का चीजें अब और बहुत कुछ अब तो बच्चे बहुत कुछ देखते हैं और ये पूरे का पूरा सोशल मीडिया जो है मैंने इसके ऊपर भी एक दो वीडियोस की थी क्योंकि मेरे पास मैंने एक दफा एक ग्रुप कोचिंग की उसमें यंग बच्चे थे यूनिवर्सिटी लेवल के कॉलेज लेवल के इधर पाकिस्तान और One of the complaints that I got that was surprising for me was that we feel so much under pressure uh, because our friends, who post kar rahe hai, constantly pictures of how much fun they are having, it mm -hmm. creates a lot of pressure, which is called FOMO, also fear of missing out.

Uh, इतनी बुरी हालत थी कि दे कुड नॉट स्टैंड टू बी इन द सेम रूम आप और एक दिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो लवी डवी पिक्चर्स द लव ऑफ माय लाइफ एंड नाउ वी आर इन यूरोप टेकिंग दिस ट्रिप सो ब्लेस्ड ब्लेस्ड फीलिंग सो ब्लैस्टे वो मैं उस पर फिर ये तो हालत है कि असल में हॉरेबल मैरिजे बट सोशल मीडिया पे एज इफ आप समझें कि बॉलीवुड की मूवी चल रही है सो आर देर इज देर आर लाइज

वेरी क्लियरली इट इज द शैतान वेरी वेरी क्लियरली क्योंकि झूठ हर बुराई की माँ है और हमारे नबी सल्लम ने वो जो लंबी हदीस है उसको शॉर्ट करके कोट करी अल्लाह तला कमी वैशी माफ़ करे जिसमें एक सहाबी से वो बात कर रहे थे और उन्होंने डिफरेंट गुनाह गिनवाए जिसमें गुनाह कबीरा जना भी आया कि ये क्या एक से सरजद हो सकते हैं तो नबी करीम ने कहा हाँ सरजाद हो सकता है पर जब वो झूठ पे आए कि क्या मोमिन झूठ बोल सकता है तो उन्होंने कहा नहीं झूठ नहीं बोल सकता सो so, यानी ये एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज थी कि सच को हमने पकड़ के रखना है बाकी गलतियां इंसान होते हुए इधर उधर हो जाएंगी पर झूठ एक गंदी एक बीमारी है अब आज जैसे कि आपने बताया कि साइंस ने कंफर्म किया है कि ये बीमारी ना सिर्फ दिमागी है जिसमानी भी है रूह को भी मफलूज कर देती है ये एक इतनी गंदी चीज है इसमें अब आपा आपने अगर कुछ और बातें ऐड करनी हो मेटाफिजिकली या इस्लामिकली फिर एंड में मैं आपसे पूछना चाहूंगी वन क्वेश्चन कि एक इंसान अगर ऑथेंटिक उथ, लाइफ की तरफ आना चाहे तो वो आप उसके क्या स्टेप्स एडवाइस करती हैं बिकॉज आपने तो बहुत लोगों का इसमें भी इलाज किया है ठीक है एक तो मुझे हदीस याद आ रही है और भी आप वसल्लम ने फरमाया कि झूठ जो है वो मक्कार बनाता है ना और मकारी जो है जहन्नम की तरफ लेके जाती है वही बात जो हमने कि वो जो जब डिनयल में जाता है ना तो वो उसको आ, ओवर एक्ट करता है तो सरकार ने भी यही बात पहले से कही भी है ना अच्छा एक और जो मैं झूठ देख रही हूँ आजकल की यंग बच्चियों में जिसकी वजह से हमारी प्रॉबली प्रॉबली जनरेशन भी अफेक्ट हो रही है कि यंग बच्चियाँ कॉलेज के अंदर अब बाकायदा मेकअप करके आती हैं बायदा मेकअप करके आती हैं और एक इंस्टीट्यूट के बारे में तो मैंने ये भी सुना कि वहाँ एक सैलून या पार्लर शुरू हो गया है कि वो बच्चियाँ वहाँ से करके तो फिर अपनी क्लासेस अटेंड करने जाती हैं अब आप देखिए इस झूठ के पीछे क्या हो रहा है वो जितना अप्लाई कर रही हैं अपने चेहरे के ऊपर उनके अंदर उन केमिकल्स के अंदर होती हैं जेनो एस्ट्रोजेंस जो कि हमारी जो फीमेल जो हॉर्मोन है एस्ट्रोजन उसको मिमिक करती हैं ठीक है, है यही वो बच्चियां हैं जिनके अंदर पॉलिसिस्टिक ओवरीज है यही वो बच्चियां हैं जिनके आगे फर्टिलिटी इफेक्ट होगी जब ये अपनी लाइफ के अंदर जिंदगी शुरू करेंगी तो आप ये देखें कि एक झूठ की ऐप अगर यंग एज में इंस्टॉल हो जाएगी तो वो पूरी जिंदगी बर्बाद करेगी ठीक है अच्छा, अब आप इसकी जो बात कर रही है इसमें अगर यंग एज से आप इफ यू डोंट थिंक यू आर वर्द विदाउट मेकअप then you are teaching a lesson to to these young girls that is going to really damage them as they grow older true makeup <laughs> <मैंने भी गी। laughs> by the way <laughs> <laughs> आपका makeup जो है आपका आपने makeup किया आपकी जरूरत है अब मैं आई एम ओके विद नॉट डूइंग लॉट ऑफ मेकअप मुझे बुरा लगता है क्योंकि मुझे मैं लगता है So, <laughs> I they, never do, I, तो चलो हमारी उम्र भी है इस तरह हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं लेकिन बच्चियों की जो एज होती है ना ये जो टीन होती है वहां तो एक ग्लो होता है हॉर्मोनल ग्लो होता है वहाँ अच्छा अब आपने बात ये की कि हम अगर झूठ में है तो उसका उसको क्या किया गया जाए ना ठीक है ना अब मुश्किल काम है ये बिकॉज अगर एक बंदा हैबिचुअली ये काम कर रहा है ना तो उसके लिए मुश्किल काम है उसको काफी Uh, uh, काफी मन यानी अपनी बेस्ती भी करानी पड़ेगी अपनी ईगो भी मारनी पड़ेगी अपने आप को डेरिंग भी साबित करना पड़ेगा ये सब तो उसको करना पड़ेगा ये जरूर करना पड़ेगा लेकिन एक ऑन गोइंग एंटीडोट जो मैं जरूर बताना चाहूँगी अगर हम इतना झूठ बोलते हैं तो खुदा के वास्ते हम लोगों को बहुत ज्यादा अस्तगफार करने की ज़रूरत है क्योंकि अस्तगार एक एंटीडोट बन जाता है झूठ के बनने वाले केमिकल का और दूसरा बेशुमार शरीफ पढ़े ताकि कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल हो ना कुछ ना कुछ तो वो और दूसरा ये सेल्फ कमिटमेंट हो सकती है ये किसी के कहने से नहीं रोका जा सकता जब डिजीज हिट करेगी या जिनको ऑलरेडी डिजीज है वो जरूर सोचें कि उनकी जिंदगी में कितना झूठ है कितने वो फेक है किन रिश्तों के अंदर वो झूठ बोलते हैं किस कार बोलते हैं, कितना yes. yes. अपने आप से झूठ बोलते हैं ये उनको खुद सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने मैस स्केल के ऊपर ये है कि आप दो चार वर्कशॉप्स करा के छह महीने का कोर्स करा के ये चीजें नहीं बदल सकते ये तो हमें आप सोचें कि मुसलमान इस वक्त सेकेंड सेकंड प्रॉब्ली लार्जेस्ट रिलीजन है इस्लाम और हमारी जो मुसलमानों की तादाद है इट इज अबाउट नाइन यानी बिलियन है ना यानी हम अरब इतने अरब लोग हैं हम अगर अरब लोग दिन में दो झूठ बोल रहे हैं तो आप ये देखें कि एज अ मुस्लिम हम वेर डू बी वो जो कलेक्टिव झूठ है ना अब कलेक्टिव झूठ से होता क्या है कलेक्टिव झूठ की वजह से कौम नीचे चली जाती है कौन सी मुसलमान कौम है यस yes. कौन सी मुसलमान कॉम है जो इस वक्त डेवलपिंग कंट्रीज में आ रही है और जिसके यहाँ से रिसर्च आ रही है इन्वेंशन हो रही है अब इस वक्त कौन सी मुसलमान कॉम है और आपको हाँ। पता है इस सारी इन्वेंशनस मुसलमानों ने की थी जो अब हमसे वही झूठ के जरिए ले ली गई बट अब हमारे पास से कुछ नहीं आ रहा क्योंकि वो ब्रेन जो श्रेंक हो रहा है जो श्रिंक हो रहा है हमारा जो पोटेंशियल है इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल वो अफेक्ट हो रहा है झूठ की ऐप या सिस्टम इंस्टॉल होने की वजह से तो हम बहुत से लेवल पे सफर कर रहे हैं ये मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो आपने टॉपिक छेड़ा है मेरी आई लिमिटेड आई मीन नॉलेज टू टॉक अबाउट दिस कि इसकी अभी इसमें बहुत डेप्थ है अगर शायद मैं पूरा दिन भी बैठती ना तो निकल रहा था इसके अंदर और इतना इस पे काम हो रहा है सो दिस इज अ प्रैक्टिस ग्लोबली लेकिन हमें तो मुसलमान होने के नाते सोचना चाहिए ना कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग किसी ने बात कही कि कम अज कम एक और एंटीडोट ये है कि जब वो बंदा झूठ बोले तो उसके बाद एक दफा कलवा दोबारा पढ़े क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है अगर वसल्लम किसी को ओन नहीं कर रहे तो क्या मुंह दिखाएंगे क्यामत के दिन बड़ा शौक है लोगों को तो जन्नत में जाने का बट उनकी बात कोई नहीं माननी तो मेरा तो ख्याल है पड़े हर पार पार है हर हम हम रसूल पे गर्दन कटवा देने वाली कौम है लेकिन सुनत रसूल के लिए मेहनत करना हमें गवार नहीं है क्योंकि जहां पे मुश्किल आएगी वो काम हमने नहीं करना हम आसानी के आदि हो चुके हैं आप हमसे नमाजें पढ़वा लें आप हमसे हज करवा लें उम्र करवा लें ये सब कुछ करवा लें लेकिन सच Uh, बोलना और टू बी एन ऑथेंटिक पर्सन इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट मैं आपको बताऊ मेरी जो प्रैक्टिस है अब मैं कुछ ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ जो बहुत एडवांस स्टेट में होते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप बताएं मैं ठीक हो जाऊंगा अब बहुत मेरी वो ये जो वलिटी की बात आप वही वही होता है कि मैंने उसको हर्ट भी नहीं करना उसको होप भी देनी है तो बहुत सालों के बाद पहले तो मैं कहती थी हाँ इनशाला मैंने पहले कहना शुरू किया कि नहीं मैं इनशाला कहूंगी ताकि पहले तो मैं अल्लाह पर डालू कि हाँ इनशाला तुम ठीक हो जाओगे अपने पैसे मैं बर्डन ना दूसरा मैंने ये डब देखा कि कोई एडवांस कैंसर का पेशेंट है या कुछ है तो उसको मैंने ये कहना शुरू किया कि देखिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ ठीक है hmm. बाकी शफा अल्लाह ने देनी है जाओ जाकर नफिल पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो क्योंकि मैं अपनी कमी नहीं छोड़ूंगी इन मैं पूरी कोशिश करूंगी बाकी आप, आपका और अल्लाह का मामला है आप मुझे बताइए इसमें मैंने क्या बुरा कहा सच्चा बिल्कुल टोटली ट्रूथफुल और बल्कि आपने उसका फेथ अपने ऊपर से हटा के अल्लाह पे डाल दिया कि गो यस मैं हमेशा कहती हूँ जाओ आज की बात दो रिकत नफिल पढ़ना और अल्लाह से कहना आपको शफा मेरे आपकी शफा मेरे हाथ में डाल दे हो गई कि जितने और लोगों से भी बात किया आप भी उन कुछ लोगों को जानती हैं जिनको मैं ट्रूथ सीरीज में लाना चाहती हूँ कि शुरू में मुश्किल होती है जब आप सच बोलना शुरू करते हैं कुछ लोग भी आपकी जिंदगी से चले जाएंगे जो कि दे आर मैं लेकिन द मोर ऑथेंटिक यू बिकम लाइफ एक्चुअली बिकम सो मच इजियर को बहुत आसान हो जाती है बहुत आसान हो जाती है हो जाती। कोई बोझ नहीं होता आपके ऊपर हो का ना मैंने कहाँ कहीं झूठ बोला है क्योंकि बोलना पड़ा यंग होते हैं आपको पता ही नहीं होता कुछ भी मैंने देखा उस जूट, उस झूठ का इट कैरी सम वेट टर्स इट कैरीज अ वेट अब बहुत फील होता है मैं अभी भी कभी, कभी कभार अगर बोल जाऊं तो उसका बहुत ज्यादा वजन होता है बहुत तो हार्ट पे फील होता है मुझे लगता है झूठ का वेट वो मुझे आई डोंट डों हदीस इससे रिलेटेड है कि नहीं कि वो जो कहते हैं ना एक दिल के ऊपर एक काला नुकता आ जाता है मुझे शायद लगता है कि शायद झूठ जो है वो दिल पे वो काला डॉट डालता है क्योंकि आई फील प्रेशर एट माय हार्ट जब मैं कभी बोल जाऊं बच्चों को कह दिया ये कभी टालने के बिकॉज टालना इज आल्सो फॉर्म ऑफ झूठ हमें पता ही नहीं चलता ना तो मुझे एक हैवीनेस फील होती है काफी उसका वेट है जूट का शुक्र है कि हमें जल्द महसूस हो जाता है अदरवाइज तो हम जैसे बहुत मोटा बंदा अपनी फैट कैरी कर रहा होता है उसको उसके वेट का नहीं एहसास होता ना इसी तरह एक जो है उसको उस वेट का पता नहीं चलता विच इज आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट और, आप और आप जब लोग अ, अ, मेरे कोर्स में जब पूछते हैं कि कि आपने टालने की बात की के, फिर हम क्या करें उस वक्त यू नो दिस इज वोट दे और और यही मुझे भी सीखना पड़ा अपनी जिंदगी में कि अच्छा अगर टालना नहीं है तो फिर वेयर इज इज द द इशू इशू एंड यू यू अंडरस्टैंड कि विद बाउंड्रीज बाउंड्रीज डोंट हैव आप हर जगह मे बी यूर प्लीजर आपको ना नहीं कहना आता हाउ टू लर्न हाउ टू से नो इन हेल्थी वे स्टिल बींग बींग वेरी नाइस बट ऑल्सो बींग वेरी ऑनेस्ट सो मैं फिर okay. वो बाउंड्रीज का कोर्स मैं इनके लिए मैंने क्रिएट किया कि अच्छा हाउ टू क्रिएट हेल्थी बाउंड्रीज और ये वो वो क्योंकि ये फिर सारी चीजें क्योंकि झूठ अगर जड़ है बीमारियों की और आपको आप जड़ से जाके पकड़ते हैं तो फिर आपको वो शाखें मिलेंगी और बीमारियों की शाखें आपको नजर आती हैं कि अच्छा फिर इसको कैसे ठीक करना है अच्छा फिर इसको कैसे ठीक करना है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वो तमाम चीजें पकड़ना शुरू हो जाते हैं और जिंदगी बेहतर होती है और जिंदगी आसान होती है और इसमें मैं फिर से अपना वही थर्टी डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स जो मैं आपके सामने भी काफी दफ़ा जिक्र कर चुकी हूँ और ने वो अल्लाह ताला की देन है बिकॉज वो कोर्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स और उसमें जो जो खातन ने लिए हैं फिर वो ऑन गोइंग बेसिस पे लेती हैं क्योंकि आपा एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारी जिंदगी मेजरेबल है सही तो है। तो हमें आदत पड़ी हुई है ब्लेम करने की हालात को या लोगों को राइट right? तो मेरा हस्ब इज अबिचुअल चीटर ही कीप्स हैविंग अफेयर्स तो मैं जी इसलिए मेरी जिंदगी बर्बाद है या मेरा ये या बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि बीमारी हमारे अपने अंदर एग्जिस्ट करती है राइट right? तो तो अगर हम बीमारी तो को पकड़ ले तो क्योंकि अल्लाह ने हालात तो इस दुनिया में तो उसने कहा है कि बंदे तुझे मुश्किल में पैदा किए तू सफर करेगा, ऐसा तू मुश्किलात तो आएंगी तो उसके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें तो नबी करीम सल्लम के ऊपर जितनी मुश्किलात आई शायद किसी पे भी नहीं आई तो वो माशाल्लाह लेकिन एक हेल्थी इमोशनली हेल्थी मेंटली हेल्थी फिजिकली हेल्थी जिंदगी गुजार के एक बड़ी पावरफुल जिंदगी गुजार के दुनिया को रहती दुनिया तक चेंज करके तो वो चले गए और ऐसे उनके सहाबा कराम और अहले बैत का हम एग्जाम्पल देखते हैं आसान तो नहीं थी उनकी जिंदगी बिल्कुल तो सही है इसका मतलब बीमारी अपने हमारे अपने अंदर है उसको हमने पहले जड़ पकड़नी है विच इज बींग इनटिकल्स लाइंग टू आर सेल्व द प्रॉब इज आउटसाइड ऑफ मी ट्रूथली प्रॉब्लम आई नीड टू ग्रैब इट ही जो उसकी शाखें हैं उनको हील करना शुरू करें तो आप ही तो, हील, आपको पता ये ना एक रूल है एक प्रिंसिपल है कि हीलिंग इज ऑलवेज विद इन विद आउट यानी अंदर से बाहर आती से पार है बिल्कुल अंदर से बाहर आती है तो अगर किसी को ये बातें सुनने के बाद कोई गिल्ट हो रहा है तो वो बंदे को ज्यादा सेल्फ कंपैशनेट होने की जरूरत है उसको ज्यादा अपने आप को प्यार करने की जरूरत है कि उसको क्यों क्यों बोलना पड़ा अपने आप से मोहब्बत करे वो इंसान जो भी सुन रहा है देख रहा है हो सकता है लोगों के दिलों में गिल्ट आ जाए तो सेल्फ कंपैशनेट अब मैं एक बड़ा आसान सा तरीका बताती हूँ जस्ट फ्यू सेकेंड्स मैं भी, ये भी, कहती हूँ जाओ बाथरूम अकेला अकेले हो जाओ जरा बाथरूम में जाओ

अगर आप शैतानी जाल में फंस गए हैं हाँ। तो अल्लाह की मदद तो ऐसे करके आपकी यू नो शैतान का उसके आगे फिर क्या जोर चलेगा जहां पे अल्लाह की मदद तो तो अल्लाह की मदद डेफिनेटली उस बंदे को हेल्प करेगी जो वो अपने आप से कमिट कर ले कि मैंने हाँ वाकई छोड़नी है ये बट क्योंकि एक बहुत बड़ा झूठ जो हमारे माशरे में आम है वो ये है कि मैं तो इतना बुरा इंसान हूँ आई फील सो गिली इन साइड मेरी तरफ देखता भी नहीं होगा रब तो ऐसे मुंह मोड़ लेता होगा ये बहुत बड़ा झूठ है अल्लाह हर वक्त देख रहा होता है और इंतजार में होता है प्यार भरी नजरों से इंतजार फरमा रहा होता है कि किस वक्त मेरा बंदा मेरी तरफ लौटेगा मुझसे मदद मांगेगा मुझसे तोबा करेगा कुछ पशेमानी दिखाएगा कुछ सिंसियरली मुझसे कहेगा कि मेरी मुझे इस चीज में मदद चाहिए तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो आई थिंक इज क्रिमिनल Yes. बंदे को अल्लाह ताला से जुदा कर दिया गया है या बंदी को अल्लाह ताला से जुदा कर दिया गया अल्लाह इज ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू सो इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस डिजीज मैंने डिजीज़ेस ऑफ द हार्ट के ऊपर भी किया था रमजान में यूट्यूब पे फ्री कोर्स एंड दिस इज वन ऑफ दम कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है ये बीमारियों की जड़ है तो इसको क्लीन करें अपने दिल से इन क्योंकि अब आपने बताया है कि ना सिर्फ दिल बल्कि दिमाग को भी असर करती है पूरी बॉडी को झूठ जो है वो तबाह कर देता है तो, तो आपा, so so आप आई एम सो ग्रेटफुल थैंक यू सो मच आप हमेशा आई गेट टू लर्न सो मच एवरी टाइम आई सिट यू आई टॉक टू यू देर इज ऑलवेज सो मच लर्निंग मे अल्लाह तक्रीज योर नॉलेज मे अल्लाह कीप यू इन प्रोटेक्शन एंड मे अल्लाह तल्सो प्रोटेक्ट योर ईमान क्योंकि मुझे पता है वो भी माशाल्लाह से आपका बहुत स्ट्रांग है अल्लाह तक नजर बद से भी बचाए और अपने हिफ्सोमान में रखें हमेशा बहुत शुक्र शुक्रिया इरम अल्लाह तला आपको भी अपनी हिफाजत में रखे बड़े डेरिंग काम आप कर रही हैं तो अल्लाह तला आप संभाल के रखें ना थैंक यू वेरी मच मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगे